और आइए बढ़ते हैं आगे कन्नौज से खबर, जहां पर पूर्व सांसद सुब्रत पाठक ने नगीना के सांसद चंद्रशेखर के बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि हमारे देश में महादेव को पूजने वाले काफी ज्यादा हैं, सड़क पर नमाज पढ़ने वालों से उनकी तुलना ना करें। शायद उनको ये जानकारी नहीं है कि ये देश जो है बहुलता इस देश में महादेव को पूजने वाले लोगों की है, और कंवरिया एक विशेष पर्व है जो साल में सिर्फ एक बार ही आता है। नमाज तो रोज पढ़ी जाती है, जुमे की नमाज हफ्ते में एक बार पढ़ी जाती है, तो नमाज से कोई कंवरिया यात्रा की तुलना नहीं हो सकती। और यदि नमाज सड़क पर पढ़ने की आवश्यकता क्या है, अगर इतनी ही चिंता थी तो आप उनको सलाह दे सकते थे कि वो अपने घर में बैठकर नमाज पढ़ लें। सीधे आपको लिए चलते हैं राजस्थान अलवर, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस समय पहुंचे हुए हैं। साधु संतों के साथ आज बैठक की जानी है, यहां पर साधु समागम के तमाम दिग्गज जो हैं यहां पर आज इस बैठक में जुटेंगे। राजस्थान के अलवर से आ रही हैं तस्वीरें ये सीधी, आज शाम को 7 बजे लखनऊ में बैठक भी करने वाले हैं कांवड़ यात्रा को लेकर। उससे पहले आप कह सकते हैं संत समाज के साथ ये जो बैठक आज अलवर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब से थोड़ी देर के बाद करने वाले हैं, इसके ऊपर कांवड़ यात्रा पर भी चर्चा की जा सकती है। संत समागम में शामिल होने के लिए पहुंचे आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राजस्थान अलवर। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, मंच से आ रही हैं सीधी तस्वीरें, तृतीय आठमान भंडारा जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी इस समय है। संत समाज के दिग्गज इस समय मंच पर आपको नजर आ रहे हैं। की बरसोदी का कार्यक्रम है और हमारी इच्छा है कि आप यहाँ पर हेलीकॉप्टर से आइए। मैंने लाख मना किया कि यहाँ से 1 घंटे का रास्ता है, हेलीकॉप्टर की आवश्यकता नहीं है। नहीं बोले कि हमारा प्रेम है। तस्वीरें आपके सामने सीधा अलवर से पहुंचा रहे हैं, जहाँ पर आप देख सकते हैं श्री श्री 108 कैलाशवासी बाबा श्री सोमनाथ जी महाराज का तृतीय आठमान भंडारा आज आयोजित किया गया है, जिसमें संत समागम में यहाँ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी आमंत्रित किया गया था।